सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में हम आंसर्स देखेंगे. एमएनपी लिमिटेड हैज मेड प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर 2010-11. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कंपनी विल एम्प्लॉय टोटल असेट्स ऑफ 25 लाख रुपीज़. एम एल पी लिमिटेड ने ऑलरेडी प्लान्स बनाए कुछ 2010-11 के, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि कंपनी 25 लाख रुपए के असेट्स लगाएगी बिजनेस में. 30% ऑफ द असेट्स बींग फाइनेंस्ड बाई डेट एट एन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 9%. मतलब इस 25 लाख रुपए का 30% डेट के थ्रू फाइनेंसिंग किया जाएगा, और बाकी का जो 75% है, सॉरी 70% है, वो अपने आप, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी से फाइनेंसिंग होगी. सो दो जगह से पैसा आएगा, इक्विटी से 70%, डेट से 30%. और फिर ये जो पैसा आएगा ये 25 लाख रुपए असेट्स में लगाया जाएगा. आगे देखो, द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एट 15 लाख रुपीज, एंड ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 2,40,000 रुपीज. द सेल्स रेवेन्यू आर एस्टिमेटेड एट 22,50,000 रुपीज. टैक्स रेट 40%. और आपको ये चार चीज़ें निकालने बोली है. पहला है नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा है रिटर्न ऑन असेट, तीसरा टर्नओवर, असेट टर्नओवर रेशियो, एंड चौथा है रिटर्न ऑन इक्विटी. ये चार चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है. तो आइए देखते हैं आंसर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसका. तो पहले मैं एक काम करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनका बना लेता हूँ. इसको मैं बोलूँगा इनकम स्टेटमेंट, जिससे कुछ डिटेल्स मुझे पता चल जाएगी. जैसे कि सेल्स, सेल्स है 22,50,000 का, ठीक है. उसके बाद में डायरेक्ट कॉस्ट है 15 लाख रुपए की, फिर डायरेक्ट कॉस्ट आ गई 15 लाख रुपए की, तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट. और इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें से हम माइनस कर देते हैं, साढ़े 7 लाख, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से 2,40,000, तो ये बचा आपका 5,10,000. मैं इसको बोलूँगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. और कुछ खर्चे क्या देखने दो, ठीक है. अब इसमें से मैं क्या माइनस होएगा, इंटरेस्ट, क्योंकि हमने देखा था, हमने डेट लिया था, डेट पे 9% इंटरेस्ट हमको पे करना है. 9% इंटू कितना हमने फिक्स एसेट लगाए, 25 लाख रुपए, जिसका 30% हमने डेट से लेके आए हैं. सो 25 लाख का 30% जो होता है उस पे आपको 9% पे करना पड़ेगा, दैट इज 67,500. तो ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 4,42,000. फोर फोर्टी टू 500. अब इसमें से हम टैक्स माइनस कर देते हैं. टैक्स का रेट उन्होंने बोला है 40% लेना है, 1,77,000. तो वो आ जाता है आपका 265,500. दिस इज अर्निंग आफ्टर टैक्स. मोटा मोटी सब कुछ आ चुका है आपका. तो अब हम एक एक करके चीजें निकालते हैं. नेट प्रॉफिट मार्जिन ध्यान दो, कैसे निकाल सकते हैं. नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी और कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स. मैं उसको ऐसा ले लेता हूँ, 265,500 डिवाइडेड बाय, मेरी सेल्स की फिगर थी 22,50,000 रुपये. सो ये हमारा एक रेशो आ जाएगा 11.8%. सेकेंड आइटम देखो, रिटर्न ऑन असेट. तो बहुत ही सिंपल,
रिटर्न डिवाइडेड बाय असेट। अब ये चीज याद रखो कि असेट जो है वो 25 लाख रुपए का है, और ये 25 लाख दो जगह से आया, इक्विटी से और डेट से। तो रिटर्न भी इन दोनों के लिए जो अप्लीकेबल है वो हमने लेना चाहिए। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो इन दोनों के लिए अवेलेबल होता है। तो असेट्स, सी सिर्फ मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं ले सकता, बिकॉज दैट्स नॉट द ओनली रिटर्न ऑन दिस असेट। 25 लाख रुपए दो लोगों के हैं, डेट वालों के और इक्विटी वालों के। तो रिटर्न भी ऊपर में जो न्यूमरेटर में ले रहा हूँ वो दो लोगों का होना चाहिए। सो EBIT कितना है आपका? EBIT 5 लाख 10 हज़ार डिवाइडेड बाय असेट्स आपके हैं 25 लाख के। दैट्स 20.4%। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, असेट टर्नओवर रेशियो। बहुत ही सिंपल, टर्नओवर न्यूमरेटर में और टोटल असेट्स डिनोमिनेटर में। टर्नओवर है आपका 22 लाख 50 हज़ार का। सी असेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? असेट टर्नओवर रेशियो का मतलब ये हो गया कि आपने असेट्स को टर्नओवर में कितने बार कन्वर्ट किया। सो 22 लाख 25 हज़ार और असेट्स है आपके 25 लाख। सो बहुत ही कम टाइम दिख रहा है, दैट्स 0.90, मतलब पूरा एक बार भी कन्वर्ट आपने नहीं किया उसको। लास्ट आइटम ले लो, कहाँ गया? रिटर्न ऑन इक्विटी। बहुत ही सिंपल, रिटर्न डिवाइडेड बाय इक्विटी। सो इनके लिए रिटर्न कौन सा अवेलेबल होता है? इक्विटी वालों के लिए रिटर्न 2 लाख 65 हज़ार 500, ये आफ्टर टैक्सेस जो होता है ना, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, इसी में से डिविडेंड जाता है, और ये डिविडेंड किसको जाता है? इक्विटी वालों को जाता है। तो ये जो रिटर्न आया, ये इस पे हक किसका है? हक सिर्फ इक्विटी वालों का है, क्योंकि इक्विटी वालों ने पैसा लगाया। सो दैट्स एज गुड एज आई कैन से दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो 2,65,500 डिवाइडेड बाय ये जो 25 लाख रुपए है ना, इसका 70% इक्विटी से आया है। सो दैट्स 15.17% रिटर्न ऑन इक्विटी। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन। 1750, सो ये आपके चारों आंसर कंप्लीट हुए। पहला था आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि ये आ गया, दूसरा था आपका रिटर्न ऑन असेट जो कि ये आ गया, फिर आपका असेट टर्नओवर रेशियो भी आ गया, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आ गया। ये आपकी चार चीज़ें इन सब के बेसिस पे आ चुकी है। आंसर्स नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। बाय बाय।